हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे एंड स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे ना। केशु, गुड मॉर्निंग बोल दो एक बार। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। मैंने आज डाली है जीन्स, तो देख सकते हो मेरा लुक। अभी मैंने स्वेटर नहीं पहनी, ठंड है आज। धुंध हो रही है बहुत ज्यादा, दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरे में से। धुंध है आज और ठंड भी बहुत ज्यादा है। जाती हूँ मैं दादी के पास। दादी के पास जाओगे? चलो। हाँ ठीक है। ये है हमारी दोनों गाय। आग? मैंने सोचा बेटा आग सेक रही है। ये केसु बोल रही है का है मम्मी आग वाल? यहाँ पे सेक ली दादी करेगी ना, ठीक है। से मम्मी ने रखे हुए आज कल मम्मी बोल रही है नहाए धोए नहीं। हाँ क्या दिखा रही है? कुछ नहीं होता भाई, लोगों को दिखावा थोड़ा करना है। ब्लॉग का मतलब होता है जो हमारी रियल लाइफ है, रियल नकली की नहीं है ना प्रियांशु। कैसे? नहीं बेटा ना फूक नहीं। या मैंने यार मैंने काटा था वो कल। कहीं तना पक्का काम चाहिए तो फिर टाइम तो लगेगा। दूध थोड़ी है, 2 घंटा में हो जाएगा। फ्लैश हूँ मैं। फ्लैश है? फ्लैश क्या होती है ये? काम करना। अच्छा प्रियांशु को इंग्लिश आती है भाई? मुझे नहीं आती है। प्रियांशु प्रियांशु अंग्रेज बन गया। मैं जा रही भाई। कहाँ आ जाऊँ बेटा? काम कौन करेगा? क्या करूँ? से तो मम्मी पल्लर लगा रही थी वो गेट के आगे। तो यहाँ पे मैंने भुजी रखी है उबलने के लिए। उनको भुजी उबल जाएगी तब तो मैं कृष्णा को नहला दूंगी और आटा तब भून लूंगी। सिटी का कोई ढंग नहीं लगता मुझे, क्योंकि मूली ना इतनी सारी थी ना, कुछ मत। मम्मी ने एक परात होती ना बड़ी वाली, वो काट रखी थी एक परात पूरी। तो इस टाइम तो कोई लग नहीं रहा है ढंग कि इसमें सिट्टी आ जाएगी। पता नहीं आती नहीं आती हुई। और तायोर ने ना एक गाय अपनी बेच दी है, तो वही सीत हमारा बंद हो गया है भाई। वो भी कहाँ से करेंगे, है कि नहीं है? तो एक मग्गा सीत लाती हूँ मैं केसु के लिए कि बच्चा है पी लेगा, है ना? क्योंकि वो तो कभी कभी रात को भी तायोर के वहाँ मांगने चली जाती है। पहले एक दिन गई थी भाई, उसे ना सीत ख़त्म हो गया था कि गिर गया था। बोरी सीत सीत बहुत तहलका मचा दिया था उसने। फिर उसको उसके लिए ताई के पास गई थी मैं सीत लेने। और ताई की आदत है भाई, कभी भी उन्हें कुछ मना नहीं करती, तो बहुत अच्छी आदत है भाई। तो भाई सबकी ऐसी होनी चाहिए, है ना? कि जब है तो मना नहीं करना चाहिए किसी को भी। मना करके क्या होगा, है कि नहीं? जब है तो भगवान ने दे रखा है। तो फटाफट भाई लड्डू गोपाल और शामजू को नहलाऊंगी। पानी गर्म कर रखा है मैंने उनका। गोपाल जी तो इनका कान्हा का हमने दूध लग का लगाया था भोग, क्योंकि सुबह दिन और रात 3 टाइम इनका भोग लगता ही है दूध का। और इनका खाना पीना भी जीरे का ही होता है बस। और हम लहसुन प्याज भगवान को ये अर्पित नहीं किए जाते, भोग नहीं लगाए जाता है, तो हम इसलिए हम जीरे का ही भोग लगाते हैं लड्डू गोपाल को। अब मैं इनको नहलाने चलती हूँ। अब यहाँ पे कर रही हूँ मैं पूजा। तो मैंने यहाँ पे जो की थाली तैयार कर दी है अपनी, तो देख सकते हो। अब मैं आरती कर देती हूँ। ओम जय जय दीदी सीताई बात जनो गे संकट में दूर करे। ओम जय जय दीदी सीताई जो पावे जोत लगाते हो देख सकते हो। ये हमारे मंदिर कितना प्यारा लग रहा है ना, देख सकते हो। लड्डू गोपाल को मैंने ढक के रखा हुआ है कि ये भी बच्चे का स्वरूप है भाई।
है ना, तो देख लो अब जोत की थाली मत तैयार है। मम्मी यहाँ पे आटा छान रही है। पहले छान कर रख देते, बाद में छानने की झंझट नहीं रहती। पराठे बनाती हूँ फटाफट से। यहाँ पे जूम की चाय लो, चाय जल्दी पकड़ो। और सुनो तो तीन बना दो तुम्हारे पराठे। बैग बैग बहुत बड़ा है। ये है मैंने मूली की भुजी। अब मैं इसको पानी निकालूंगी या निचोड़ूंगी, अच्छे ढंग से देखते हैं। इसको डाल दूंगी, इसका पानी निकल जाएगा, फिर से निचोड़ दूंगी। कुकर में आ भी नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से डाली थी मैंने इसे, बड़ी मुश्किल से, पूछो मत। क्या कर रहा बेटा, एक हाथ में फोन है एक हाथ में ऐसे कर रही हूँ। चुचु आगे कर लो फिर। मैंने सारी भुजी निचोड़ ली है, देख सकते हो। अब इसकी सब्जी बनाएंगे। मूली की भुजी बनाएंगे हम, मूली की भुजी बनाएंगे हम। लहसुन और मिर्च कोटेंगे हम। अरे अलग से बनाऊंगी ना। मैंने पहले ही लड्डू गोपाल का बना दिए थे मूली की भुजी, क्योंकि भाई भगवान है उनको भी भोग लगता है जीरे का, तो अपने लिए मैंने प्याज का लगाया, क्योंकि उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो क्या होगा, अपने अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए हमें। यहाँ पे हमारी मूली की भुजी भी तैयार है फ्रेंड। आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट में ज़रूर बताना। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लिया करो फ्रेंड। लोग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा फ्रेंड, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लाती रहूँगी फ्रेंड। मैं आप लोगों को एक बात शेयर करना चाहती हूँ, मैं 8 बजे रोज नाइट में लाइव आती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन करा करो, जितना हो सके उतना सपोर्ट करा करो फ्रेंड। तो आप लोगों के सपोर्ट से ही हूँ मैं सब कुछ, और बिना सपोर्ट के तो कुछ भी नहीं हूँ आप लोगों के फ्रेंड, है ना। तो मेरी वीडियो जितने भी आप लोग देखते हो फ्रेंड, लाइक नहीं करते तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो। लाइक से कौन सा आप लोगों के पैसे वगैरह लगते हैं कि नहीं है, जो आप लोग इतना वो करते हो कि लाइक नहीं करते हो, तो ऐसे भी मत किया करो भाई, है ना। इतनी मेहनत लगती है फ्रेंड, तब भी कोई वो नहीं, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता तो कोई फ़ायदा भी नहीं होता फिर ना, इसलिए आप लोगों का सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, गुड नाइट।